हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। फुल मून है और मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ रीयूनियन की और साथ में मैरिज की। जी हाँ, अब जिन डीएफ का रीयूनियन होगा, स्पेशली मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जो अनमैरिड है और साथ में उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी अनमैरिड हैं, ठीक है। लेकिन जो डीएफ मैरिड हैं या फिर उनके डीएफ मैरिड हैं, तो ये वीडियो सुनकर आप लोग सैड मत होइएगा कि हमारी मैरिज हमारे डीएम से नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों के अगर कर्मा क्लियर होते हैं अपने अपने फील्ड पे, तो वहाँ पे मैरिज भी पॉसिबल है। लेकिन अभी मैं उन डीएफ की बात करूँगी जो अनमैरिड है और साथ में उनके डीएम भी अनमैरिड है। तो अगर बहुत टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो और इस टाइम आप लोगों को कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं जहाँ पे शादी हो गए, या कुछ ऐसे सॉन्ग जो मतलब शादी से रिलेटेड हो, ये कुछ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बार बार ऐसे कोई शादी के आपको न्यूज़ मिल रहे हो, रीबर्थ का कोई ना कोई साइन मिल रहा हो, या फिर डेथ की न्यूज़ मिल रही होगी आपको। डेथ की जब आपको न्यूज़ मिलती है तो इसका मतलब होता है न्यू बिगनिंग या रीबर्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है। साइन तो मिल ही रहे हैं आप लोगों को रीयूनियन के, और आप जानते भी हो कि रीयूनियन के साइन क्या होते हैं। बट इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है जहाँ पे शादी, इंगेजमेंट, उनकी पिक या वीडियो आपके सामने बार बार पॉपअप हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रीयूनियन तो होगा ही, साथ में डीएम आपको अप्रोच करेंगे शादी के लिए। और एक चीज़ ऐसी डीएफ के साथ ये चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं फैमिली में या सोसाइटी में अभी तक ये फेस करते आई हैं, जहाँ पे उनके कलर को लेके, उनके वेट को लेके, उनके हाइट को लेके ऐसा मतलब बॉडी शेमिंग किया गया है कि आपकी हाइट नहीं है, आप बहुत मोटे हो या पतले हो, आप बहुत काले हो, आप सुंदर नहीं दिखते हो। तो ये चैनलिंग आज की उनके साथ रेजोनेट करेगी और साथ में उनकी शादी भी होगी, ठीक है। उन डीएफ को खुद को ये बिलीव नहीं है कि हमारी शादी हमारे डीएम के साथ होगी, क्योंकि इस तरीके से सोसाइटी ने उनको नीचे गिराया है या हमेशा पीछे रखा है, बॉडी शेमिंग किया गया है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गिरा है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि अब जो आपके डीएम आएंगे, वो शादी का प्रपोजल लेके ही आएंगे आपके लिए। तो इस वक्त आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं, हम क्लेम भी करते हैं डीएम को, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्या डीएम हमसे शादी करेंगे? मैं तो ऐसे दिखती हूँ, मेरी हाइट का मैं वेट ऐसा है, तो क्या वो मुझसे शादी करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर कोई भी आप लोगों को निगेटिव थाट्स आ रहे हैं, तो इस वक्त पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इस तरीके का थॉट्स कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है आपके रीयूनियन में, आपकी मैरिज पे। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ में डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। कलर, हाइट, वेट ये कुछ भी मैटर नहीं करता है हमारी जर्नी पे। और आपको खुद को ये बिलीव रखना है कि आप इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो डीएम आपसे कैसे प्यार करेंगे। तो ये मेन ब्लॉकेज अभी क्रिएट होगा। बहुत सारी डीएफ लो कॉन्फिडेंस में जाएंगी, जहाँ पे उनको फील होगा कि वो अच्छी नहीं दिखती है, या मैं किसी लायक नहीं हूँ, सोसाइटी के लोग भी मुझे अपनाते नहीं हैं, ना ही मेरे घर वाले मुझे किसी भी चीज़ के लिए अप्रिसिएट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ना अभी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है, और वो होता ही है जब भी आपका रीयूनियन होगा। जिस भी डीएफ का रीयूनियन होता है, उस समय एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है। शादी का हो सकता है, कोई इशू को लेके हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, वो सब कुछ रिलीज होता है। बट इस वक्त अटैक्स तो होते ही हैं कहीं ना कहीं आपके रीयूनियन को डिले करने के लिए। बट कुछ चीज़ें जो दबी हुई रहती है ना, वो भी इस वक्त सामने आता है। तो अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये थॉट्स आपको बार बार आ रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि डीएम मुझसे शादी करे, कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप होपोनो प्रेयर करिए, खुद को सामने बैठा के, और ये बोलिए कि अभी तक अगर आपने खुद से प्यार नहीं किया है,
तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू बोलिए। देखिए कि आप अपने सामने बैठे हो और आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हो। अभी तक जो चीज़ें आपने नहीं की है उसको आप ठीक कर रहे हो और आज से अभी से आप खुद से प्यार करोगे। भले दुनिया वाले कुछ भी बोले, कोई मतलब नहीं रखना है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो और डीएम आपसे बहुत प्यार करते हैं और जैसे आप हो वैसे ही आपको अपनाएंगे डीएम। ये आपको बिलीव रखना है क्योंकि आप जिस तरीके से एनर्जी रखोगे वैसे ही आपको एनर्जी रिसीव होगी। तो ये है अभी फुल मून की एनर्जी, जहाँ पे बहुत सारे डीएफ के रीयूनियन होने वाले हैं और इस बार जो रीयूनियन होगा उनके डीएम शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं और उन डीएफ के साथ ये होगा जो अभी तक सोसाइटी में अपने कलर, वेट, हाइट को लेके बहुत सारी चीज़ों को फेस करते आई हुई हैं। तो रेडी रहिए डिवाइन फैमिली अपने रीयूनियन के लिए, अपनी मैरिज के लिए। क्लेम करिए अपने डीएम को। कहीं भी अगर निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको तुरंत पॉजिटिव एफर्मेशन के थ्रू पॉजिटिव करिए, क्योंकि अभी जो करंट में आप देखोगे या सोचोगे वही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।